दोस्तों नमस्कार, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप गोरखपुर शहर में पेस्ट कंट्रोल सर्विस का काम स्टार्ट कर सकते हैं और अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले कि इसका बिजनेस मॉडल क्या होता है और किस तरीके से ये बिजनेस काम करता है। दरअसल पेस्ट कंट्रोल सर्विस का जो सिस्टम होता है वो ज़्यादातर देखिए हाउस होल्ड से जुड़ा हुआ है, या कुछ जगहों पे जो कंपनियां हैं वो भी अफोर्ड करती हैं, जैसे बैंक हो गया या जहां पर भी ज़्यादा कागज़ पत्र का काम हो, ऐसे जगहों पे ये होता है पेस्ट कंट्रोल। अब इसमें पेस्ट कंट्रोल में होता क्या है, देखिए हम लोग के भी घर में अगर आप हैं या आप भी अपने घर में देखेंगे तो हमेशा दीमक या तिलचट्टा या चूहा, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपके घर में आपको परेशान करती हैं, या आपके मान लीजिए कुछ कागजात हैं कभी नुकसान हो गया, या स्वच्छता का भी बात होता है, या लकड़ी वगैरह का ये सब पलंग है ये सब का नुकसान हो गया, तो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए ये सर्विस होता है। इसमें ये लोग अलग अलग तरीके का पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, जिससे मान लीजिए खटमल, मक्खी, मच्छर, कॉकरोच, चूहा, ये सारी चीज़ें आपके घर में ना आए, और अगर हैं तो उनका मतलब डेथ हो जाए या भाग जाए, इस तरीके की सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं। अब ये लोग अपना मार्केटिंग भी करते हैं शहर में, आप देखिएगा बहुत जगह नो पार्किंग का बोर्ड लगा के उसमें लिखा रहता है पेस्ट कंट्रोल सर्विसेज, और उसमें नीचे नंबर भी दिया रहता है। तो अलग अलग तरीके के लोगों का अलग अलग अपना मार्केटिंग है, कोई फेसबुक में है, कोई सोशल मीडिया पर है, कोई न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट करता है, और इस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और मार्केट मैंने बताया, जैसे हॉस्पिटल सबसे बड़ा इनका मार्केट है, हॉस्पिटल्स हो गया, आपका शॉपिंग कॉम्प्लेक्स हो गया, शॉपिंग मॉल हो गया, कपड़े की दुकानें हो गई, यहाँ पे क्या है ऐसे बिजनेस के जगह जहाँ पे मान लीजिए ये सब चीज़ें नुकसान पहुँचा सकती हैं बहुत, तो ये लोग मंथली सर्विसेज पे ऐसे कंपनियों को हायर करके रखते हैं ताकि महीने में एक बार, दो बार, तीन बार जो भी उनका एग्रीमेंट हो वो लोग इस तरीके की अपनी सर्विसेज वहाँ पे दें ताकि ऐसी चीज़ें वहाँ से भाग जाएँ और पैदा ना हो, ये कोशिश किया जाता है। तो अब अगर आप इसका काम करना चाहते हैं तो आपको कुछ लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये ज़्यादातर मैटर कंपनियों से ही जुड़ा हुआ है, और आपको दुकान, शॉपिंग मॉल, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स ऐसे जगह से ही ज़्यादातर ऑर्डर आपको आएगा ये सब काम के लिए। अपार्टमेंट वगैरह से भी आता है, अब मान लीजिए छोटे शहर गोरखपुर में तो उतना सारा अपार्टमेंट होगा नहीं, कम होगा, तो हो सके कम आए थोड़ा, ये सब चीज़ें थोड़ी देखनी पड़ती हैं। तो आप इसको काम करने के लिए कोई भी कंपनी बना सकते हैं, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, या मान लीजिए प्राइवेट लिमिटेड, कुछ भी, और ये बना के आप अपना करंट अकाउंट ओपन करके, और इसमें एक PCI का रजिस्ट्रेशन होता है, पेस्ट कंट्रोल इंडिया का एक एसोसिएशन होता है, उसमें आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। आप ISO का 14,000 ले सकते हैं जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड है और केमिकल से रिलेटेड है, जिसमें आप पता चलेगा कि आप क्या क्या चीज़ें यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से मैनुअल फॉलो करना चाहिए स्टैंडर्ड लेवल पर। उसके बाद आप अपनी कंपनी का उद्यम लाइसेंस करवा सकते हैं और आप अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क करवा सकते हैं, ताकि मान लीजिए आप जो नाम से चालू किए हैं उसी नाम का फ़ायदा उठा के कोई और ना चालू कर ले। बहुत बार होता है क्या है, जब बिजनेस सक्सेस हो जाता है तो उसी के एम्प्लॉई ही फिर जाके पता चला उसी नाम से कंपनी चालू करते हैं, या पता चला ऐसा बहुत बार फ्रॉड हो जाता है, तो आपको उन सब चीज़ों का भी थोड़ा ध्यान रखना है, बिजनेस हिट हो जाए तो ऐसी चीज़ें आपके साथ ना हो। और इसलिए आपको कॉपीराइट जो ब्रांड का आपने करवाया है या ट्रेडमार्क, ये दोनों इंडस्ट्रियल आपको करा के रखना पड़ता है गवर्नमेंट से, ताकि आप सिक्योर रहें और अगर ऐसे मामले में कुछ होता है तो आप उन पे केस करके बंद करा पाएँ। तो ये तरीके से आप काम कर सकते हैं, प्लस गवर्नमेंट का भी ऑर्डर इसमें निकलता है, रेलवे का बहुत बड़ा ऑर्डर इसमें निकलता है पेस्ट कंट्रोल का, क्योंकि स्टेशन पर और ट्रेन में हमेशा आप देखिएगा चूहे दौड़ते रहते हैं, बहुत सफाई की बात होती है, और मिलिट्रीज वगैरह में भी निकलते रहता है। तो अगर आपके पास कंपनी है, ESIPF है, ISO 14000 है, ट्रेडमार्क है और DSC है कंपनी का, तो आप ऐसे गवर्नमेंट टेंडर में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहाँ पे भी भाग ले सकते हैं। अपना बिडिंग फाइल कीजिएगा, तो मिलना ना मिलना वो दूसरा बात है, रेट आप सही फाइल कीजिएगा, 10 फाइल कीजिएगा, एक दो तो मिल ही जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग की बात होती है कि आपके पास जो मैन पावर है उसको किस तरीके से ट्रेंड कीजिएगा, इक्विपमेंट्स वगैरह कुछ खरीदना होता है, क्योंकि सेफ्टी इसमें नियम से कुछ केमिकल्स वगैरह खरीदना पड़ता है, उसका कंपोजिशन बनाना पड़ता है, ताकि आपको पता रहे कि यहाँ किन चीज़ों से किस चीज़ों को भगाया जा सकता है, ये सारा मैटर होता है जो मिलके ये पूरा बिजनेस ऑपरेट करता है। प्लस वेबसाइट, ताकि वेबसाइट पे आपका सारा कुछ लिखा रहे, क्या क्या टर्म्स कंडीशन आप यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अगर किसी को कंप्लेन करना हो आपके किसी एम्प्लॉय के खिलाफ या आपके किसी सर्विस के खिलाफ,
तो आपकी आपको कैसे पता चले डायरेक्टर का ईमेल आईडी, ये सारा कुछ, ताकि मान लीजिए एक ऑर्गेनाइज सिस्टम तरीके से आप काम कर पाए, क्योंकि इसका फ्यूचर है दोस्तों और हमेशा ही रहेगा, और ये सब चीज़ें एक दिन में ख़त्म नहीं होती, और ये यूनिवर्सल बिजनेस है कुछ चीज़ें, चाहे कितना भी टेक्नोलॉजी आ जाए मगर टेक्नोलॉजी से चीज़ों का सोल्यूशन नहीं होता, इसमें मैन पावर ही और ये सिस्टम चाहिए ही होता है टेक्नोलॉजी को बचाने के लिए भी। तो आप चाहें तो काम चालू करें और हमारा प्रोजेक्ट भी आप इसमें चाहें तो ले सकते हैं।